हेलो स्टूडेंट, हमारा भी जो आखिरी टॉपिक जो बाकी है अभी इज अ कार्बन साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल। अभी जो कार्बन है, वो कार्बन जो मिलता है हमें जो एटमॉस्फेयर में से द कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एब्जॉर्ब करते और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सर्कुलेशन एंड द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल द सर्कुलेशन। कार्बन सर्कुलेशन, तो कार्बन जो हमें मिलता है, कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट क्या करते हैं कि द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू की जो कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट थ्रू हमें कार्बन मिलता है। और कार्बन जब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रिमूव करते हैं बॉडी में से, या एनिमल जो है डेड होते, डेड होने के बाद में जब उसका जो माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करके बाद में वो कार्बन डबल एटमोसफेयर में रिलीज होता। The abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic from mainly through a photosynthesis and respiration. The respiration process through photosynthesis through carbohydrate plant synthesize करते हैं। और जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते लेने के बाद में जब उसका ऑक्सीडेशन करते, ऑक्सीडेशन करने के बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते और वो कार्बन डाइऑक्साइड डबल एटमोसफेयर में रिलीज होता और वो कार्बन के फॉर्म में प्लांट डबल उसको इज एब्जॉर्ब करते। एंड कार्बन साइकिल इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोजियो केमिकल साइकिल। प्लांट कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस द कार्बन कंपाउंड्स लाइक द प्रोटीन फैट्स टू। ये प्रोटीन जो है, ऐसा प्रोटीन में क्या है, ऐसा कार्बन ही है, मगर उसमें नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन, यानी उसमें एक कार्बोहाइड्रेट के अलावा, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन भी रहता। और जो फैट्स है, फैट्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों कंपोनेंट रहती, मगर इसके अलावा हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के कंपेयर में जरा ज़्यादा रहता। टू द हर्बिवोरस फीड अपॉन द प्लांट्स। द कार्निवोरस फीड अपॉन द हर्बिवोरस। कार्निवोरस फीड अपॉन द हर्बिवोरस। इन दिस वे द बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट टू हर्बिवोरस एंड फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस एंड फ्रॉम द कार्निवोरस टू द एपेक्स कंज्यूमर्स। ऐसा ये कार्बन क्या होते रहता है, इज ट्रांसफर होते रहता। अभी जो हर्बिवोरस जो प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट जो है हर्बिवोरस कंज्यूम करते, हर्बिवोरस के ऊपर डिपेंड रहने वाले कार्निवोरस, और कार्निवोरस के डिपेंड रहने वाले इज एपेक्स कार्निवोरस एज एपेक्स कंज्यूमर्स। देन आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज डिकम्पोज्ड by the microbes and microbes return these abiotic component carbon into the atmosphere. अभी ये जो कार्बन साइकिल है, इसे वो डायग्राम में देखने का है कि जो बायोटिक कंपोनेंट जो है, बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक डिकम्पोजिशन द बायोटिक कार्बन गोज इन टू मीन्स प्लांट टू हर्बिवोरस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी द मेन प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल। अभी कार्बन साइकिल प्रोसेस कैसे होती, द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्शन हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखी हुई थी। द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बोहाइड्रेट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वेन दीज कार्बोहाइड्रेट गेट डिकम्पोज्ड these carbohydrates get oxidized in the mitochondria, means they are called as a cellular reaction. Means cell में वो glucose जो है, the carbohydrate का simple form glucose का oxidation होके in the mitochondria means in a cell to form the carbon dioxide, water and energy, and this carbon dioxide is released into a atmosphere and that carbon dioxide is trapped by the green plant for their process of photosynthesis. after the death, all the types of consumer and decomposed by the decomposers like the bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into atmosphere and is used again by the living organism. In this way, the carbon is continuously passed on from one living organism to another.
After the death of living organism, carbon goes to the atmosphere and again is taken up by the living organism. Do you know? The carbon dioxide is released into atmosphere through the abiotic process like the burning of fossil fuels. Fossil fuels, जब उसे burn होते, fossil fuels and wood. Fossil fuels में coal, charcoal, burn होने के बाद में carbon dioxide गैस release होती. Forest fire and volcanic activities. The oxygen is released into atmosphere by the biotic process of photosynthesis and carbon dioxide through a respiration. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by a plant. ऐसा वो carbon dioxide जो है कि atmosphere में oxygen और carbon dioxide maintain होता. अभी जो आखिरी topic है इस ऑक्सीजन साइकिल. अभी ऑक्सीजन साइकिल हम आखिरी जो ये ऑक्सीजन साइकिल है हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको लेंगे. थैंक यू. और ऑक्सीजन साइकिल और उसके ऊपर के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे. थैंक यू.